हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें मैंने कोई भी अनाज नहीं डाला। नवरात्रि चल रही हैं तो आप ये वाले लड्डू बनाकर खा सकते हो। बहुत ही कम समय में ये बनकर लड्डू तैयार हो जाते हैं। बच्चों को बड़ों को बहुत ही पसंद आते हैं। आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे। घी हमारा पिघल गया है। अब इसमें हम 1/2 कप बादाम डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। हीट है वो हमारी मीडियम रहेगी। 1/2 फ्राई हो गए हैं। अब इसी में मैं 1/2 कप के करीब काजू डाल दूँगी। इसको भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे घी में। पिन्नियाँ बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो लीजिए, हमारे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं घी में। अब इसको मैं एक ट्रे में निकाल लूँगी इस तरह से। इसी घी में मैंने 100 ग्राम के करीब लिए हैं मखाने। इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है देसी घी की। और जब ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट होते हैं ना, बहुत ही पूरा घर महक जाता है। इसको भी हम निकाल लेंगे एक ट्रे में। इसको भी मैं ट्रे में निकाल रही हूँ। जिसमें हमने बादाम और काजू निकाले थे उसी ट्रे में हम निकालेंगे। थोड़ा सा घी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। इसी में हम डालेंगे 1/2 कप के करीब रेजन्स। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। इसी के साथ मैं डाल दूँगी कोकोनट, ड्राई कोकोनट है ये। इसको भी अच्छी तरह से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत लो हीट के ऊपर इसको करना है, ध्यान रखना है कि जले नहीं। बस इतना ही इसको भूनना है। इसको हम निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में 200 ग्राम मैंने गुड़ लिया है और इसमें हम 1/4 कप ऑफ इसमें हम डालेंगे पानी। और इसको हम पिघलने देंगे गुड़ को। इसकी चाशनी नहीं बनानी हमें, हमें सिर्फ इसको पिघलाना ही है। धीरे धीरे हिलाते हुए इसको पिघलाना है गुड़ को। गुड़ अच्छी तरह से पिघल गया है। मैंने बिल्कुल भी इसको बॉयल नहीं आने दिया। आप भी इसी तरह करना। अब इसमें जितने भी मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसको मैंने एक मिक्सचर में मिक्स कर लिया था, उसको पीस लिया था इस तरह से। ये देखिए, हीट को हम कर देते हैं बंद और इसको हम हिलाएंगे इस तरह से। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। सारा काम लो हीट के ऊपर ही करना है, मीडियम हीट नहीं रखना। ये देखिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए एक में थाल में डाल दूँगी। मिक्सचर को मैंने इस ट्रे में निकाल लिया है और इसको मैं हल्का हल्का सा हिला रही हूँ ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा हमें ठंडा नहीं करना है। और इस तरह से हम
अपने मनपसंद की पिन्नियाँ बनाएंगे, या लड्डू कह सकते हो आप, ड्राई फ्रूट के लड्डू इस तरह से। और देखो बिल्कुल भी जोर नहीं लग रहा और बहुत अच्छी तरह से ये बन रही हैं। ये देखिए साइज अपने हिसाब से बना लेना, बहुत ही हेल्दी वे से मैंने बनाई है। ये वाले लड्डू बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आते हैं। ये मैंने आज बिना अनाज के बनाई है, इसमें कोई आटा नहीं डाला है मैंने, ना ही कोई मैंने शुगर डाली है, ना ही कोई मावा डाला है। बहुत हेल्दी वे से बनाई है, पौष्टिक हैं, डिलीशियस हैं, यमी हैं ये। आजकल जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, आपको कोई भी अनाज नहीं खाना, आप इन लड्डू को, इन पिन्नियों को आप बना कर खा सकते हो, बड़ों बच्चों को पसंद आते हैं। आज की रेसिपी आई होप आपको पसंद आए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आपको मेरी आज की रेसिपी ये कैसी लगी। ये रेसिपी बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है, बहुत ही कम समय में। कभी भी मीठा खाने को, कुछ भी स्वीट डिश खाने को दिल करे, आप ये वाले लड्डू बना के खा सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कैसी लगी, और कोई रेसिपी की कोई रिक्वेस्ट है वो भी बता देना, मैं बनाकर आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अगली वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ आपको मिलूंगी। तब तक आप सबको सत श्री अकाल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।